नफे सिंह राठी हत्या मामले पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। जी हां, आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोक दल INLD के स्टेट प्रेसिडेंट और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या मामले में हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर हमलावर हैं। अब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने बीजेपी पर कानून व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा में सरेआम हुई गोलीबारी में इनेलो नेता नफे सिंह जी की मौत बेहद दुखद है। उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बीजेपी ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। पुलिस को बदमाश पकड़ने के काम में लगाना था, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा की पुलिस को किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर लगा रखा है। उधर हरियाणा में आपके नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि जब नफे सिंह पर गोली चली तब CM मनोहर लाल खट्टर झज्जर में ही थे। जब CM के उसी जिले में रहते हुए एक नेता पर गोली चलाई जा सकती है तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। इस घटना से आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। बता दें कि बीते 10 दिन से अधिक वक्त से पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली में एंट्री के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन बैरिकेड के जरिए हरियाणा की पुलिस उन्हें रोक रही है। CM केजरीवाल का तंज इसी के संदर्भ में था। नफे सिंह की गाड़ी पर तब हमला हुआ जब वह बराही फाटक से गुजर रहा था। नफे सिंह के अलावा 3 और लोगों को गोलियां लगी। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 का बहादुरगढ़ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि नफे सिंह को शरीर पर कई जगह गोलियां लगी थी और बहुत ज्यादा खून बह गया था, जिस वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। उधर अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि हरियाणा पुलिस की 5 टीम मामले की जांच में जुट गई है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।